हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम पूनम श्री इंडियन किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं कॉर्न की रेसिपी लेके आई हूँ। इससे हम बनाएंगे जो कॉर्न आते हैं ना, स्वीट कॉर्न, बस उसी से हम बनाएंगे कॉर्न कटलेट और बहुत ही क्रिस्पी करारा सा कटलेट बनकर रेडी होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं, देर किस बात की है, रेसिपी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे 1.5 कप ये बॉइल्ड कॉर्न लिया है, ये स्वीट कॉर्न है। इसको थोड़ा सा इसका पार्ट हम निकाल देंगे, 2-3 चम्मच इसको बाद में हम ऐड करेंगे। और ये जो कॉर्न है इसको हमें मिक्सी में दरदरा पीस लेना है। ये देखिए इस तरीके का दरदरा हमें पीस के, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना और पानी भी नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी इसमें मॉइस्ट रहेगा। तो इसको एक बाउल में हम लोग निकाल लेते हैं। 3 मीडियम साइज के बॉइल्ड आलू इसमें हम डाल देंगे, इनको बाद में हमें मैश करना है। और यहाँ पे मैंने 1/2 कैप्सिकम है उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, इसको भी डाल देंगे। 2 चम्मच बारीक कटी हुई कैरेट, 1 छोटी बारीक कटी हुई ओनियन, बारीक कटा हरा धनिया। और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। इसको क्रिस्पी क्रंची एकदम बनाने के लिए इसमें डालेंगे चावल का आटा। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर का जो आटा आता है वो भी डाल सकते हैं और उससे बहुत अच्छा क्रंची आएगा। अब इसमें डालेंगे, बिल्कुल कुरकुरा नाश्ता बनने जा रहे हैं, तो ये डाला है मैंने ब्रेड क्रम्स। मैंने 2 ब्रेड को मिक्सी में पीस लिया था, उससे ब्रेड क्रम्स बन गया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे और इसको चटपटा बनाएंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर, आपको अगर तीखा पसंद है तो थोड़ा सा आप ग्रीन चिली भी काट कर इसमें डाल सकते हैं। छोटी वाली 1/2 स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 स्पून चाट मसाला पाउडर, इससे बिल्कुल चटपटे बनेंगे कबाब। 1/2 स्पून भुना जीरा पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स करना है, तो आप इस तरीके से मिक्स कर दीजिए। अगर आपको लगे कि आपका बैटर जो हम बना रहे हैं मिक्सचर ये गीला हो रहा है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स में ऐड कर सकते हैं और उसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। वैसे तो इतनी क्वांटिटी काफ़ी है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है तो आप मिक्स कर लीजिएगा। देखिए सभी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं और जो बचे हुए कॉर्न थे वो भी इसमें ऐड कर दें और इनको भी हम अच्छे से इसी में मिक्स कर देंगे। ये देखिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। इस तरीके का मिक्सर बनकर रेडी होगा। अब हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करेंगे। मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया है देखिए, और इनको अब हम इस तरीके से लेंगे। जितने बड़े आपको कटलेट बनाने हैं उतने बड़े बनाइएगा, थोड़ा सा बड़े अच्छे लगते हैं साइज में, तो इस तरीके से इनको हम इस तरीके का शेप देंगे। इसको ऐसा सिलेंड्रिकल शेप दे देना है, देखिए इस तरीके से। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरह से प्लेट में रख कर भी इस तरह से राउंड राउंड घुमा देंगे तो बन जाएगा। ये देखिए सभी कटलेट बनकर रेडी हो गए हैं और इनको हम रखेंगे फ्रिज में 15 मिनट के लिए। और अगर आप इनको तुरंत नहीं बनाना चाहते तो आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। फ्रिज में आप 1 दिन के लिए रख सकते हैं और कल बना सकते हैं, नहीं तो आप फ्रीजर में इनको एयर टाइट बॉक्स में बंद करके 4 से 5 दिन तक आप अच्छे तेल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और 15 मिनट बाद हम इन्हें फ्रिज से निकाल कर इस तरीके से इनको फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर इनको आप फ्राई कर लीजिएगा अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक। एक बार में जितने आ जाएं आपके पैन में उतने आप इस तरह से पलट दीजिएगा और पलट पलट कर इनको हम फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है ना, गोल्डन कलर आ जाएगा, बस क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे ये कटलेट रेडी हो जाएंगे और टेस्ट में बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। अगर आपको लगता है कि आपका तेल गर्म ज़्यादा हो गया तो आप इसको स्लो कर दीजिएगा, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इनको क्रिस्पी करारा फ्राई कर लीजिएगा। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है, बहुत ही अच्छे बन जाएंगे ये। आप एक बार इनको ट्राई करिए और खाइए ज़रूर इनको बनाकर। एक टिश्यू पेपर लगा लें प्लेट में और इनको इस तरीके से हम निकाल लेंगे।
ये देखिए कितने क्रिस्पी क्रिस्पी दिख रहे होंगे आप लोगों को, कितने अच्छे रेडी हुए हैं। इनको हम प्लेट में निकालते हैं। ग्रीन चटनी और सॉस के साथ आप खाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा। टेस्ट तो है ही इनका बहुत ही लाजवाब, और हेल्दी हेल्दी कटलेट्स हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए इनको हम दिखाते हैं कितने क्रिस्पी बने हुए हैं। आवाज आ रही होगी आप लोगों को, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इनको तोड़ के देखते हैं। ये देखिए बहुत गर्म है, बट देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इस तरह से इनको डिप करिए। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।